गाइस आज है डे टू। ये शायद आर्मी का कुछ है, ऐसा लग रहा है ये सिलीगुड़ी का सेवक रोड है। जा गिर गया। काम नहीं है, हो सकता है। तो ये है फॉरेस्ट बंगलो, तो आज गए हम लोग। बहुत अच्छा जगह है, नाइस। हाँ उठी दो ना, एखंड उठी दो। यहाँ से निकल रहे हैं अभी, एक व्यू पॉइंट है सामने। बालाजी बोल रहा था पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये रास्ता भी नहीं था। अभी तो बहुत चेंज हो गया, कोई घर वर कुछ नहीं था। सुंदर लग रहा है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। क्या सुंदर दिखती हो, बहुत खूब दिखती हो। मिट्टी का बम्पर, मिट्टी वाला बम्पर, मिट्टी का घर, मिट्टी वाला बम्पर। सही है भीरू, सही है। 500 मीटर 600 मीटर के डिस्टेंस पे छोटा छोटा गांव है। अच्छा है। रात को ये सब जगह में बहुत मजा आएगा। तो वहाँ पे कोई व्यू पॉइंट नहीं था, हम लोग अंदर के अंदर तक गया था, लेकिन कोई व्यू पॉइंट नहीं है, वो एक ही व्यू पॉइंट था। तो अभी रिटर्न कर रहा हूँ, कई ढाबे पे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। अभी ढाबा ढूंढते हैं, किधर मिलता है ढाबा। बहुत जोरों से भूख लगा है। तो आज है डे 3। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, आज 15 अगस्त है। अभी हम लोग जा रहे हैं रांची के आसपास कई फॉल्स पे, 2-3 फॉल्स हैं सामने सामने, वही घूमेंगे। आज एक्चुअली में प्लान था नेटरहाट जाने का, लेकिन इतना कम टाइम में नेटरहाट पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोचे रांची का आसपास जितना सारा फॉल्स है, 2-3 फॉल्स, वो सब घूम लेते हैं। रास्ता भी अच्छा है और साइड में व्यू भी अच्छा है। वाह
तो अभी हम लोग जा रहे हैं हुडरू फॉल्स में। हुडरू फॉल्स जाने के लिए बाइक सामने पार्क करके बहुत अंदर पैदल चलना पड़ेगा, तो और बाइक में सामान भी है, तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कि हुडरू नहीं जाएंगे तो जोना फॉल्स जाएंगे। तो ये रास्ता हुडरू फॉल्स से सीधा रास्ता जोना तक निकल जाता है। होना चाहिए रास्ता यार, चला के मजा आ जाता। भैया के पीछे उसका मामा जी बैठा हुआ है, तो भैया ज्यादा स्पीड से नहीं चला पा रहा, तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा कम स्पीड में चलाना पड़ रहा है। नहीं तो ये रास्ते में एकदम मजे से चलाते। मेन रोड से बाई तरफ ले लिया, टोनिक 7 ऑफ रोड करना है, ऑफ रोड। खेती बाड़ी चल रहा है सर, क्या रोड है भाई, क्या रोड है। बीच में थोड़ा ऑफ रोड भी कर लिया गूगल एंट्री के चलते चक्कर। एक गलत टर्न सब खत्म। अरे भाई चल ना रे, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। आज है day 3 और अपन घर जा रहा है कलकत्ता, लेकिन आज का रूट है थोड़ा अलग। NH6 हो गए, मतलब घाटशिला रोड हो गए, आएंगे जमशेदपुर वाला हाईवे पे आ गए। यहाँ से गोलाघाट करीब 350 किलोमीटर है, तो 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे गोलाघाट, 6 घंटे में घर एकदम। ये वाला रास्ता बहुत सही है, ये सन टेम्पल का रास्ता।
ये रहा सन टेम्पल। तो सन टेम्पल देख लिए, अभी हाईवे चढ़ेंगे। बढ़िया, बहुत गर्मी है। वो देखो राइट में कितना अच्छा व्यू है। लेफ्ट साइड में चंडल डैम है। ये चंडल डैम हम लोग जा रहे हैं चंडल डैम के रास्ते। ऊपर चंडल डैम है, ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से चंडल डैम 2.5 किलोमीटर है। ये है डैम। वाह वाह, बहुत बड़ा डैम है। ऊपर का रास्ता बंद हो गया तो नीचे से जाना पड़ेगा। देखते हैं, यह है चंडल डैम। वाह कितना सुंदर जगह है यार। यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा फोटो वगैरह खींचते हैं। चंडल डैम हो गया, अभी हाईवे की तरफ चल रहे हैं। चलो हाईवे पे मिलता है वापस से। NH 33 तलमा 13 किलोमीटर। तो यहाँ से घाटशिला करीब 28 किलोमीटर है। कितना गर्मी है, थोड़ा रुके थे, चाय वाय पिया, अभी वापस स्टार्ट किए। हल्का हल्का बारिश हो रहा है। ये देखो क्या मस्त जंगल है। जस्ट वेस्ट बंगाल घुसे, अभी झाड़ग्राम आएगा। टाइम हो रहा है 2:45, 2:45 बज रहा है। शायद से 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए कोलकाता।